लड़ाई दिल्ली में भी हो रही है। जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं, दोनों के दिग्गज दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और दिल्ली के जरिए बिहार को मापने की कोशिश हो रही है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दिल्ली के दंगल में बिहार का एंगल, मैदान में कमल के साथ नीतीश का तीर, कांग्रेस के हाथ के साथ तेजस्वी का लालटेन। जिस राजनीतिक लड़ाई को बिहार में देखा जाता है, वही लड़ाई दिल्ली के दंगल में भी नजर आ रही है। कमल के साथ मिलकर नीतीश कुमार दिल्ली के सियासी रण में तीर चला रहे हैं और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि नीतीश के तीर से कमल की सरकार खिलेगी। दिल्ली के चुनाव में एनडीए जीत की ओर बढ़ रही है। जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना एक मजबूत समीकरण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और बिहार के साथ साथ पूर्वांचल के मतदाता दिल्ली विधानसभा के आधे से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में है और इसीलिए जो मुकाबला है वो निश्चित तौर पर आप पार्टी और एनडीए के बीच है और हम एक अच्छे अंतर से जीत की ओर कल की रैली के बाद बढ़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी तीनों साथ मिलकर जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमारी जीत पूरी तरह से आश्वस्त भाव के साथ निश्चित है और हम ये कहते हैं कि ये बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत है कि हमारी एकजुटता अब पूरे तौर पर सुनिश्चित हो गई है और ये एक तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा संकेत है। वहीं लालू के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव भी दिल्ली के दंगल में पहलवानी कर रहे हैं। चार सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा है और खुद रोड शो में बिजी है। कांग्रेस के हाथ के साथ मिलकर लालटेन जलाने की कोशिश में तेजस्वी यादव जुटे हैं। कि देश का राजधानी है दिल्ली और दिल्ली के लोगों काफी प्रबुद्ध लोग हैं। यह टाइम टाइम फीस है, बिहार चल ही नहीं रहा है, दिल्ली चलाने चल रहे, दिल्ली बना देंगे, बिहार को दिल्ली बना देंगे, दो सीट पर चुनावी लड़ रहे हैं और दिल्ली को बिहार बना देंगे। इसलिए बिहार दिल्ली की जनता जानती है कि नीतीश कुमार क्या है, ये पलटू राम है, सब देश और दुनिया जानती है। तो दिल्ली के दंगल से आरजेडी और जेडीयू बिहार की राजनीति को साधेंगे। नीतीश कुमार कमल की सरकार तीर की मदद से बनाना चाहते हैं और लालटेन को हाथ में देकर तेजस्वी अपना दांव चल रहे हैं, लेकिन इसका फायदा दोनों को कितना मिलता है 11 फरवरी को पता चल जाएगा। वैसे इसका असर बिहार की राजनीति पर भी देखा जा सकता है। पटना से प्रीतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।